हेलो, कैसे हो भगवान? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलिया। मोहम्मद भाई? अच्छा, कहाँ से हो मोहम्मद भाई? गमतीपुर गमतीपुर टोल नाका। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? घर पर लड़के। यहाँ पे क्यों बैठते हो? मैंने बिठाया दुकान पे से। वो दुकान पे है संभालने वाले। क्या बोल रहे हो? संभालने वास्ते। वो क्या होता है? हटाने वास्ते। ये इतने आपके हालात को देखो, क्या पहन के रखा है आप सब? हाँ, कितने शर्ट पहने हैं? एक दो तीन सात आठ तो शर्ट पहने हैं। हैं, ऐसे रहनी चाहिए? क्या तीन है? एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो मुझे दिख रहे बनियान है। बनियान, आप मेरे साथ चलो यहाँ पे, आपके हालात को अच्छी रखने के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कोशिश करते हैं। चलो आप मेरे साथ, ऐसे कौन जी सकता है? हाँ, दुकान पे जाना पड़ेगा। हैं, गमतीपुर वाली दुकान। कौन है वहाँ पे? गल्ला है। वो कौन चलाता है? मामा है। हाँ तो चलो मिल लेते हैं मामा से। ऐसे कौन रहता है जिंदगी में? ऐसे कौन रहता है जिंदगी में? कोई रहता तो नहीं है। तो फिर ये क्या लगा रखा है? देखो हाथों में क्या है। चलो मस्त, पहले फ्रेश हो जाते हैं ना। चलो खड़े हो जाओ। कितने दिन से यहाँ पे? और कहाँ, बहुत साल हो। उसके परिवार में है कोई? इनके जमाई है विजय बाबूलाल। तो यहाँ पे किस काम के लिए बिताते हो? आगे ही बैठते हैं। अच्छा, लोग पैसा दे जाते हो? खाना खिला देते हैं। चलो अंकल खड़े हो जाओ। क्या वांधो नहीं, તમને લઈ જશે, કપડાં પહેરાવશે, સારા રાખશે ત્યાં, હા, બંને ટાઈમ જમવાનું આપશે, ઓળખું છું, હા ઓળખું છું, આખા ઇન્ડિયામાં દરેક વ્યક્તિનું સારું કરવા એ ભાઈ નીકળ્યા છે, એક સંકલ્પ લઈને બેઠા છે, એટલે આપણે એમને સપોર્ટ કરવો જરૂરી છે કાકા। હા, નવા કપડાં પહેરાવશે, તમે જાઓ વિંદા, શાંતિથી રહેવાનું ત્યાં। ચલો ભાઈ, ધોઈને તૈયાર કરાવી દેશો, गंभीर है और काफी दिन से नहाए नहीं लग रहे। चार पांच पैंट पहने, पांच छह शर्ट पहने और मानसिक रूप से वैसे तो सही लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं व्यक्ति उसे नकार देते। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ज्योति सामाजिक सेवा संस्था थ्रू जो शेल्टर होम चलाया जाता है, वहाँ पे मुझे उसको अंकल को लेके जा रहे हैं। वहाँ पे हालात को बदलते हैं और जितने भी शायद जो अंकल के परिवार वाले देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अंकल की हालात बिल्कुल सही है, बट आप उसको सही से संभाल सकते हो। थैंक यू सो मच। पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद से यहाँ पे ओडव में, और अंकल पीछे ही बैठे, बिल्कुल प्यार से समझ गए, उसको भी विश्वास हो गया है कि मेरी ज़िंदगी बदलने की बात हो रही है, तो शायद मुझे मान जाना चाहिए। सालों से वो यहाँ पे रह रहे, स्थानिक लोग बता रहे थे, पर किसी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि चलो उसके पास जाए, उसके हालात को बदले, उसको ढंग से अच्छे से कपड़े पहना देते, ढंग से अच्छे से उसको नहाने की सुविधा कर देते। व्यक्ति बदलना जरूर चाहता है, बट हमें एक अच्छा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, तो व्यक्ति उस पर चल सके और उसकी ज़िंदगी बदल सके। काफ़ी समझदार व्यक्ति है, काम कर सकते हैं, हाथ पैर सब कुछ सही है, बट अंकल पीछे ही बैठे अभी। बराबर ना अंकल? हैं, चलो ठीक है। तो चले दोस्तों, पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, मुझे लग रहा है कि भगवान ने इतने साल वहाँ पर बैठ के कचरा ही सब पूरे शरीर में इकट्ठा किया है। आपके हाथ दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे लोगों को भी दिखाओ। अरे वाह, कितना सामान निकलेगा आपके शरीर में से? तो जाएगा तो है, ताबीज है और कुछ नहीं, हम निकाल लेते सब।
है ना, मस्त फ्रेश हो जाते हैं। बस चलो आ जाओ इधर, ये सब निकाल दो, ये सब निकाल दो। दोस्तों आप पूरा देखिए कितना सामान निकल रहा है अंकल के पूरे बॉडी में से। मुझे लग रहा है कि जिस एरिया से हमने उठाया पूरे एरिया का कचरा वहाँ से उसने जमा किया है। ये आपकी उंगली में कुछ होता नहीं, आप खाना कैसे खाते हो? खाने तो उतार दी। देखो तो सही यार, ऐसा कौन रहता है जिंदगी में यार। हेलो हैं, क्या कहा? तभी तो अंदर गिराई कैसे कैसे नाकी दरा चढ़ा लेते हैं है? बड़ी रहती है, निकली जैसे निकली जैसे। दोस्तों ये अंकल हमें अहमदाबाद, कौन सा एरिया था मामा? वटवा, अहमदाबाद वटवा एरिया में से चार रास्ते में अंकल बैठे थे। और आप उसके हालात देखिए, अभी इतनी 15-20 बीटी तो हमने निकाल दी हाथों से, और अभी इतनी जो भी कुछ होता है वो पहन लेते हैं। और मानसिक रूप से थोड़े बीमार है और हालात बहुत ही गंभीर थी, और उसकी वजह से आज उसके हालात ये हो गई है। पकड़ से सिद्धराज भाई, निकल जाएगा वो, निकालो ये निकालो, पकड़ से अंदर पकड़ से, आपका पकड़ ऑफिस में नहीं पड़े, पकड़ से नहीं कपाए, नहीं निकलेगी, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इसको। इतना कुछ समझ सकते हैं आप में, तो ये क्यों पहनते हो हैं? ये अच्छी बात है। जितने भी टू व्हीलर वहाँ से पसार होती है उसका वाइसर सब अंकल ने पहन लिया है, और इतना उंगली को दबा के रखा है कि मैं देख के हैरान हो गया हूँ। बबे तो बटन मारे है इन्हें, रात ऊँग क्या मावती है इतने, शरीर तमें जीव करो ना यू एक्सेप्ट करी इतने। चाचा वो आप करो थोड़ा, आपसे निकलेगा। अंदर गाली थी ऐसे निकालना पड़ेगा, फिर लगाओ उसमें लग जाएगा। दोस्तों बॉडी पे इतनी सारी इतना सारा कचरा पड़ा हुआ था, आप यहाँ पे आ के देखिए, पूरा चमड़ी पूरा घिस गया है, और इसकी आप हालात देखिए, आप हाथ दिखाइए अंकल, देखो बोलो। पता नहीं व्यक्ति को सिर्फ बदलना, कोई उसके पास क्यों नहीं जा रहा है उसको बदलने के लिए। आज अंकल जो भी कुछ हालात में है वो बिल्कुल बदलना चाहते थे, बट किसी व्यक्ति के पास आने की जरूरत थी। बट चले कोई बात नहीं, आज हमारी किस्मत अच्छी है, सेवा करने का हमें मौका मिला हमारी पूरी टीम के साथ। ये क्या है आपका करियावर? देखो हमने पूरा फैला के रखा है, ये सब आपके शरीर में से निकला, आपका सामान है ना सभी? ये कहाँ से लाते थे सब? वही पड़ा रहता तो सब खींचे में डालते थे। हटाना। दोस्तों आप देखिए कि इतने सालों का बोझ, ये आप इधर, ये मैं वजन के हिसाब से बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि 25-30 किलो वजन तो ये सब चीज़ का हो गया, और इतने सारे पैसे निकले हैं कि पैसे का अभी हालात कुछ इस हिसाब से कि पैसे आप कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते हो, और इसका सही से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। हम अक्सर ये करते हैं कि पैसा देके ऐसे व्यक्ति के पास से गुजर जाते हैं, चलो कोई बात नहीं हमने सेवा कर दी है। पैसे से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति की ज़िंदगी बदली नहीं जा सकती है। समय दीजिए और किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदलिए। पैसा सिर्फ एक पैसा
ही होता है, और जब आप उसको सही तरह से उपयोग करेंगे, सही तरह से अच्छी जगह पे उपयोग करेंगे, पैसे का मूल्य हो सकता है। वरना ये कचरे के माफिक है, और ये कचरे में थे और अभी उसका सही से उपयोग किया जाएगा तो चले कोई बात नहीं। अंकल की हालात बहुत ही गंभीर थी, बट कुछ ना कुछ बदलाव लाने की पूरी कोशिश की हमारी टीम ने। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया था आपका? मोहम्मद इलियास। आपके परिवार में कौन कौन है मोहम्मद भाई? यूसुफ अंसारी है, जुबेदा भी मोहम्मद यूसुफ अंसारी। वो आपके परिवार में, वो कौन है आपके? वालिद है। वालिद है, इंतकाल हो गया था ना। अच्छा अच्छा, तो आप वहाँ पे उसी चार रस्ते में क्यों बैठते थे? कहाँ पे? वहाँ जहाँ से आप लेके आए वहाँ से। हाँ, वो दुकान वाले से खला करवा था। आपके मामा के बारे में बता रहे थे, मामा मुझे भीख मंगवाते थे। नहीं, वहाँ दुकान पे गए। तो आपके पास भीख कौन मंगवा रहा था? भीख नहीं मंगवा रहा, मेरा तबीयत खराब हो रहा था, मैं आगे बैठ गया। कितने दुकान दिन से पे खड़ा था मैं? कितने दिन से बैठते थे? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन? आपको पता है कि आपके शरीर में से कितना सामान निकला? गोमतीपुर से लेके आए थे। चलिए कोई बात, अभी अच्छा लग रहा है ना, हल्का हो गया ना शरीर में से सब कुछ बोझ निकल गया ना? यहाँ पे मुझे भान नहीं था ना कुछ। अच्छा, अब भान हो गया ना, बस वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता हमारी खो जाती है जब हमारे शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सही बात है ना। बट आप देखो, यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बहुत ही अच्छी सुविधा है, और यहाँ पे रहिए, जो भी कुछ आप कर सकते हो वो काम कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, ठीक है? ये सिद्धराज भाई है, इसके छोटे भाई है, वो आपके साथ रहेंगे और आपकी देखभाल रखेंगे, ठीक है? चलिए, आप क्या कहोगे मामा आज? जैसे ये भाई वहाँ से सालों से बैठते थे, सब आते जाने वाले देखते थे, कुछ कोई खाना देता था, कोई पैसा देता था, मगर कोई ये ट्राई नहीं करता था कि इसकी लाइफ चेंज करे। ये देखने से तो ये लगते नहीं कि इनको कोई माइंड में इफेक्ट है, बिल्कुल, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो पहले ध्यान दिया होता तो आज भाई की हालत नहीं होती, और वो अपना परिवार लेके कुछ साल जिंदगी जी रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी जो आदमी दिखता है आपको, तो उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए कि ये हालत में क्यों है। बिल्कुल। और अगर आप नहीं कर सकते कोई हेल्प, तो कम से कम ये सिद्धराज भाई है हमारे, पोपट भाई है, ऐसे लोगों को, कोई संस्था को इनकी इंफॉर्मेशन देके उनकी जिंदगी चेंज करने की कोशिश करिए। ना ना, बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपके पास वो वीडियो पहुँच रहा है, तो आप अपने आसपास लोगों के पास जाइए और प्रोसेस को जानिए, और कहीं ना कहीं हमें आगे आने की ज़रूरत है, तभी हमारे इंडिया में ये बदलाव हम ला सकते हैं। तो हिंदुस्तान का विचार है, लोगों की ऐसे ज़िंदगी बदली जा सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट देते रहिए, और अंकल को कोई भी व्यक्ति पहचानता है तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, परिवार के साथ मिलन होगा तो हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। सपोर्ट करना और शेयर करना वो सबसे बड़ी सेवा होगी, तो आप शेयर भी कर दीजिए और कॉमेंट कर दीजिए, और जिसकी वजह से अंकल को एक बेहतरीन, उसके परिवार के साथ वो मिल सके, बराबर ना? चले कोई, आप आराम कीजिए, अब मैं रजा लेता हूँ, ठीक है? और अपना ख्याल रखिए, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।